हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि कैसे हम बिजी के अंदर जो हमारे पीडीसी चेक होते हैं उनको हम नेक्स्ट ईयर के अंदर कैसे फॉरवर्ड करते हैं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास कोई भी पीडीसी एंट्री नहीं है, हम एक पीडीसी एंट्री पास करते हैं तो चेक हमको रिसीव हुआ 20/3/2023 को। चेक नंबर हम यहां पर डाल लेंगे, यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे पीडीसी। अब हम बताएंगे पीडीसी डेट, यहां पर वो डेट आती है जो कि चेक के ऊपर लिखी हुई होती है। इस केस के अंदर जो हमारी पीडीसी डेट है वो है 10/4/2023। इसका मतलब है ये जो हमारा चेक है वो हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पास होगा। अभी के लिए ये पेमेंट हमको रिसीव हो रही है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से। 1,00,000 का चेक है और इस चेक को हम इस SBI अकाउंट के अंदर लगाएंगे। इसको मैं सेव कर देता हूं। अभी भी हम यहां पर देखेंगे तो जो हमने एंट्री पास करी है वो यहां पर शो नहीं हो रही है। इसका रीजन है जो भी हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज होंगी वही हमको यहां पर शो होंगी। जो अभी हमने पीडीसी एंट्री पास करी उस एंट्री को हम पार्टी के अकाउंट में चेक कर सकते हैं। अब मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देता हूं। फाइनेंशियल ईयर हम कैसे चेंज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर चेंज करते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, इसको आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। पहले हम चेक कर लेते हैं कि एंट्रीज हमारी शो हो रही है या नहीं हो रही। अभी भी हम यहां पर देख सकते हैं जो हमारी एंट्री है वो शो नहीं हो रही है। तो पीडीसी एंट्रीज हमारी शो हो उसके लिए हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिसलिनियस डेटा एंट्री। यहां पर ऑप्शन है रेगुलराइज पीडीसी, इस ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। यहां पर यह पूछ रहा है जो भी हमारी पीछे फाइनेंशियल ईयर के अंदर पीडीसी एंट्रीज थी उनको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो या नहीं, इसको हम यस करेंगे। अब क्योंकि हमारी एक ही एंट्री थी तो इसलिए यहां पर वन शो हो रहा है। जितनी एंट्रीज हमारी पीडीसी के अंदर होंगी वो टोटल नंबर हमको यहां पर शो हो जाएगा। हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप चाहें तो इन पीडीसी एंट्री को देख सकते हैं, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। यहां पर हम देख सकते हैं जो हमने एंट्री पास करी थी पीडीसी डेट थी 10/4/2023, 1,00,000 रुपए का चेक था। कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हम एस्केप की प्रेस करके यहां से बाहर आ जाएंगे। अब अगर हम पीडीसी एंट्रीज चेक करेंगे तो सारी पीडीसी एंट्रीज हमको यहां पर शो हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे हम पीडीसी एंट्रीज को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।